राधे राधे, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमारे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च में लगने वाले खर मास की जानकारी। हिंदू धर्म में खर मास एक ज्योतिष घटना है जो विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ और अशुभ समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। जब सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे तो इसे मीन मास कहा जाएगा। ये मुख्यतः मार्च से अप्रैल में लगता है। साल में दो बार होने वाली इस अवधि को सूर्य के धनु या मीन में प्रवेश करने का प्रतीक माना जाता है, जिसे धनु मास और मीन मास के रूप में जाना जाता है। मार्च 2024 में किस दिन से लगने वाला है खर मास और कब तक रहेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं ज्योतिषाचार्य मिश्र जी से। साथ ही ये भी जानेंगे खर मास के दौरान किन कामों को करने की मनाही बताई गई है शास्त्रों में, और ये भी जानेंगे कि खर मास में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से खर मास के दुष्प्रभाव से बचत होती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि खर मास होता क्या है। खर मास तब शुरू होता है जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करता है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे गुरुदित्य काल भी कहा गया है। ये स्थित साल में दो बार यानी कि दिसंबर जनवरी और मार्च अप्रैल में होती है। इसे धनुर्मास भी कहा जाता है क्योंकि दिसंबर जनवरी के दौरान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं। वहीं मार्च अप्रैल में सूर्य के मीन राशि में आने के कारण इसे मीन मास भी कहा जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार खर मास साल में दो बार आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह में शुभ कार्य नहीं होते हैं, इसीलिए खर मास के दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। खर मास के महीने में जहां विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और कलश स्थापना जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, वहीं खर मास के महीने में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप आदि कार्य किए जाते हैं। और अब जानते हैं कि धनु मास में किस लिए धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के दौरान सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर अपने गुरु की सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे सारी कार्यों पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। कहा जाता है इस कम प्रभाव की वजह से ही खर मास के दौरान किए गए शुभ कार्य अधिक सफल नहीं होते हैं। यही कारण है कि इस दौरान शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। तो इस वजह से खर मास के दौरान शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और अब जानते हैं मार्च में कब से आरंभ होगा खर मास। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2024 का पहला खर मास 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका समापन 13 अप्रैल को रात में 9:03 पर होगा। इस दौरान सूर्यदेव 17 मार्च को उत्तरा भाद्रपद्र और 31 मार्च को त्रेती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही खर मास समाप्त हो जाएगा। इसे मीन संक्रांति भी कहा जाता है। और अब जानते हैं खर मास के दौरान शास्त्रों में कौन से कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। खर मास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत ना करें, कोई भी नई डील ना करें। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है, इससे आपको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। खर मास के दौरान नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। और खर मास में सगाई, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना जरूरी है। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप एक महीना रुककर ही विवाह करें और इसके साथ ही इस दौरान में बेटी को विदा ना करें। कुछ लोग खर मास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं, इससे भी बचना चाहिए।
विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें, और इस माह में कभी भी किसी देवी देवता का अपमान अनादर ना करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर ना भगा दें, ये अशुभ हो सकता है आपके परिवार के लिए। तो खरमास के दौरान ये कार्य बिल्कुल भी ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि इन दिनों में तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन प्याज शराब मांस मछली आदि का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। तो ये वो कार्य थे जो हमें खरमास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और आप जानते हैं खरमास में इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तो इसके लिए खरमास में कुछ धार्मिक रथ फलदायी बताए गए हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार खरमास के दौरान नियमित सूर्य की पूजा करें, रोज स्नान के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। खरमास के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन दिनों में सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा की जानी चाहिए, इसीलिए खरमास के समय हर रविवार व्रत रखना अति शुभ यानी कि बहुत शुभ माना गया है। रविवार के दिन गुड़ गेहूँ लाल या नारंगी कपड़े का दान भी किया जा सकता है। सूर्य चालीसा का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। खरमास में बृहस्पति की पूजा करना भी शुभ मानी गई है, जिससे जीवन में तरक्की होती है। खरमास में भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। बृहस्पति पूजा में इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और खरमास में सूर्य और भगवान विष्णु को अर्घ देने से शांति और समृद्धि आती है। सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए सूर्य को अर्घ देते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम गणे सूर्याय नमः। साथ ही सूर्य देव के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी किया जा सकता है, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। दान पुण्य के कार्य करना चाहिए। इस दौरान संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी को जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और खरमास में बिस्तर पर सोने की बजाय फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे महीने प्लेट की बजाय पत्थर में भोजन करने को शुभ माना गया है। तो खरमास के दौरान आप ये कार्य करके खरमास से होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी मार्च में लगने वाली खरमास की। अब आप हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सूर्यदेव का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।